हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद अ न्यू सेशन ऑन प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू क्लियर सम डाउट्स कि मुझसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डी यू एल एल बी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एल एल बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कितना किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो मैं सभी को बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो था लीगल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा आया था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, ऑलमोस्ट सारा पेपर ही लीगल एप्टीट्यूड जो है उससे भरा हुआ था. मगर हमें जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये जो इस तरह के जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आते रहते हैं. तो इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि सभी जो हैं जो 50-60% फोकस हैं वो लीगल एप्टीट्यूड पे रखें, और जो अराउंड 40-45% अपना जो फोकस है वो अदर एरियाज़ पे भी रखें, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर, मैथ्स पर. तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले इस प्रैम्बल को, इस प्रैक्टिस को लेकर आया था. इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करा और प्रैम्बल बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. अब जो हमारा प्रैम्बल क्या होता है, प्रैम्बल का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सार, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, सेंस है, वो प्रैम्बल में मेंशन होता है. ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो एन के पालकी वाला थे वॉज ऑल्सो ए एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑल्सो, जिन्होंने प्रैम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. तो ये भी जनरली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड कहा है, तो एन के पालकी वाला. सो द प्रैम्बल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है. तो आपको प्रीवियस जो सेशन है उसमें बताया गया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मूव करा था, और उसे सभी ने यूनानिमसली पास भी करा था. तो ये जो प्रैम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है. अब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे संविधान में. तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रैम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, तो जो हमारा प्रैम्बल है, ठीक है, वो ऐसे पढ़ा जाता है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्युमली, देखिए हम सभी भारत के लोग, सॉल्युमली का मतलब एक निर्णय लेते हैं कि एक डिसीजन लेते हैं कि हम भारत को एक सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है, ये जो सभी जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं प्रैम्बल के अंदर वो नीचे मैंने कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो भी हम सभी डिस्कस करेंगे. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ठीक है, कि हम भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, कि सभी सिटीजन्स को क्या सिक्योरिटी देंगे, दैट इज़ कि जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी देंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ. ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल. देखिए, मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूँ, सोवरेन का मतलब होता है कि कोई इंडिया किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट देश है, ये अपनी पावर के अपने आप से ही अपनी किसी टेरिटरी को ले भी सकता है और किसी टेरिटरी को दे भी सकता है. इतने नीचे एक शब्द आपको मेंशन है, सीड. सीड का मतलब होता है किसी को अपनी टेरिटरी हिस्सा देना. जैसे इंडिया बांग्लादेश में क्या होता है कि एनक्लेव्स होते हैं, मतलब कि इंडिया के कुछ अंदरूनी इलाकों में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर बांग्लादेशी जो पर्संस रहते थे और बांग्लादेश ने उस चीज़ उन जगहों को क्लेम कर रखा था. तो ऐसे ही बांग्लादेश में कुछ एरियाज ऐसे थे जो इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी, तो उसे एनक्लेव्स कहते हैं. तो उसे एक दूसरे से दोनों गवर्नमेंट ने चेंज कर लिए. तो इससे क्या है कि अब जो ये चेंज कर रहा है, इससे इस चेंज करने के लिए बांग्लादेश को और इंडिया को, या हम अपने इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे तो इंडिया एक सॉवरेन देश है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अपनी टेरिटरी किसी और देश को देने से पहले, या किसी और देश से कोई टेरिटरी लेने से पहले. ठीक है, अब जो दूसरी बात है,
हमारा जो शब्द है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर वो एक सभी में मतलब एक गवर्नमेंट के अंडर है, सोशलिस्ट हैं, नीचे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात है सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है कि हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य हैं, ठीक है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी धर्म में, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे काफ़ी सारे इस्लामिक देश हैं, तो वहाँ पर एक जो वहाँ की गवर्नमेंट ही उस रिलीजन को सपोर्ट करती है, उसको प्रमोट करती है। मगर हमारा एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर कंट्री है हम, तो ये सेक्युलर वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर द पावर इज विद लाइज विद द पीपल, द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब लोगों के हाथ में पावर है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग के अंदर, ठीक है। अब कोई लॉ बन रहा है तो हर कोई पर्सन उसके ऊपर वोट डाल रहा है, ठीक है। अब जैसे मगर इंडिया में क्या है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाके, ठीक है, या विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वहाँ पर जाकर उस प्रोसेस को ले, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है, वो दो तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि दो तरीके के देश हो सकते हैं, एक तो मोनार्की और एक रिपब्लिक, ठीक है। ये हम नीचे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मोनार्की जहाँ पर राजा है, रिपब्लिक का मतलब है कि कोई वहाँ पर इलेक्टेड हेड है, ठीक है। तो जैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड हेड है, जो मेन हेड है, ठीक है, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो द सेकेंड इज द नेक्स्ट वर्ड इज़ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब ये भी हम नीचे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इसमें मेंशन किया गया है। दूसरा है लिबर्टी। अब देखिए, इसमें जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, इनकी सीरीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली कई बार इन्हें ऑर्डर में डालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा शब्द पहले है, तो एक ए बी सी दे देंगे, उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये हम देखेंगे कि जो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जनरली फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखिए, सोवरेन का मतलब मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ना ही डिपेंडेंट है, ना ही डोमिनियन है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, ये अपने अफेयर्स को, अपने कामों को खुद कर सकता है, चाहे वो उसके इंटरनल, चाहे आंतरिक मामले हैं, चाहे वो बाहरी मामले हैं, ठीक है। एक सोवरेन, मत सोवरेन का मतलब होता है हिंदी में सप्रभुता, ठीक है। वो अपनी किसी फॉरेन टेरिटरी को ले भी सकता है, किसी टेरिटरी को दे भी सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सोशलिस्ट। अब जो हमारा जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का मतलब जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। देखिए, हम जो जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि एक ऐसा देश जहाँ पर मिक्स इकोनॉमी चल रही है। देखिए, जो इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट आ जाता है, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं, ठीक है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो हम एक कम्युनिस्टिक, जहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। मगर हमारी क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो ऐसी चीज़ों में बिलीव करता है कि जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ चलें। तो आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो बहुत सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट का सेक्टर कुछ शेयर भी है और जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर भी है। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर, मतलब कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है या पॉजिटिव को फॉलो करता है। पॉजिटिव को फॉलो करता है, पॉजिटिव का नेगेटिव का मतलब होता है कि वो किसी को फेवर कर रहा है, ठीक है, और किसी को छोड़ रहा है। मगर पॉजिटिव का मतलब होता है वो सभी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और सेम स्टेटस है हर किसी रिलीजन का पूरी कंट्री में, हर रिलीजन का, और सेम सपोर्ट है गवर्नमेंट से। स्टेट जो वर्ड है इधर गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब है कि
प्रेम्बल में भी जो 3 तरह की डेमोक्रेसी की बात की गई है, इसमें हम डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया, 2 तरह की डेमोक्रेसी बताया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें 3 तरह की डेमोक्रेसी है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि कितनी तरह की डेमोक्रेसी की बात करी है प्रेम्बल के अंदर, 3 तरह की डेमोक्रेसी, कौन कौन सी डेमोक्रेसी। अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रेम्बल में मेंशन है, ठीक है, तो येस नो या बोथ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीनों में से कौन कौन सी हैं, तो तीनों हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नीचे ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन में से पूछ सकते हैं।